तो दोस्तों स्वागत है सभी का क्लास ऑफ क्लैन के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टाउन हॉल 10 हाइब्रिड स्ट्रेटजी के बारे में बात, एंड मैं सब कुछ बताने वाला हूं डिटेल में, क्या आर्मी है एंड कैसे उसको अप्लाई करना है एंड कैसे हम उससे इजीली 3 स्टार निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाला है। साथ के साथ जो गोल्ड पास का गिव अवे चल रहा था उसके विनर कल अनाउंसमेंट हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पर मैंने सभी के नाम डाल दिए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा, अगर आपने कल का स्ट्रीम मिस किया तो जाओ गाइस इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो एंड पोस्ट देख लेना, वहाँ पे आपको सभी के नाम्स वहाँ पे मिल जाएंगे जो भी हमारे विनर है, एंड 5 के 5 विनर वहाँ पे हो चुके हैं। उसके साथ साथ एक गोल्ड पास का गिव अवे अभी भी बाकी अपने चैनल पर, जो कि होने वाला है 30 तारीख को लाइव। सो अगर आपने अभी तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सेम प्रोसेस करना है, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड एक प्यारा सा कमेंट वहाँ पे डालना कोई भी अपने चैनल से रिलेटेड। तो उसमें से मैं 30 तारीख को लाइव आके मैं लाइव मतलब रैंडम कमेंट पिकर से कमेंट पिक करने वाला हूँ गाइज, तो वो भी आपके पास अभी भी एक चांस है एक गोल्ड पास गिव अवे जीतने का। एंड अभी अगर बात की जाए तो आज हम करने वाले हाइब्रिड स्ट्रेटजी के बारे में बात, टाउन हॉल 10 पे, जो कि आपको पता है हाइब्रिड अटैक स्ट्रेटजी सभी टाउन हॉल पे बहुत ज़्यादा फेमस आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। एंड स्टार्ट हुआ था टाउन हॉल 13 से आई थिंक, एंड उसके बाद वो सभी टाउन हॉल पे ट्राई किया एंड बहुत काफ़ी अच्छा मतलब इंप्रेसिव रिजल्ट यहाँ पे देखने को हमें मिला। और स्ट्रेटजी की अगर बात किया जाए तो मैंने यहाँ पे रखे हैं 16 माइनर 5 हीलर रखे हैं जो कि आपको पता क्वीन वॉक के लिए होता है, एंड 10 होग राइडर रखे हैं क्योंकि टाउन हॉल 10 पे मतलब क्लियरिंग में ज़्यादा थोड़ी दिक्कत आ जाती है, जो मतलब क्या बोलते हैं इसको डिफेंस बिल्डिंग है वो जल्दी टेक डाउन की जा सकती है बट क्लियरिंग में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने माइनर्स को ज़्यादा रखा है, ज़्यादा अमाउंट में रखा है। 2 लूना ऑब्वियसली जो एयरमाइन को ट्रैक, अगर ट्रैप रखा है एयरमाइन का तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, एंड उसके साथ साथ एक जंप स्पेल रखा है क्वीन को इनसाइड जाने के लिए। वैसे 3 वॉल ब्रेकर रखे हैं बट मे बी यार कभी कभी होता है कि क्वीन इनसाइड नहीं जाता तो मैंने 3 एक जंप स्पेल भी रखा है। और उसके साथ साथ 2 रेज, यहाँ पे रेज को आप अप या डाउन कर सकते हो, मतलब जहाँ पे लगे आपको क्वीन अच्छा खासा वैल्यू नॉर्मली विदाउट एनी रेज स्पेल दे देगी वहाँ पे आप हील एक्स्ट्रा कर लो, अदरवाइज आप रेज रख सकते हो। यहाँ पे 2 हील हैं, 2 को 3 कर सकते हो। फ्रीज स्पेल रखा है ताकि सीसी अगर हेड हंटर वगैरह निकले तो उनको हम यहीं पर डाउन कर दें, उनको यहीं पर फोड़ दें। तो चलो अभी चलते हैं अपना अटैक की तरफ, एंड फर्स्ट अटैक है अपना हमारा वार अटैक में दोनों दिखाने वाला, तो फर्स्ट अटैक की तरफ चलते हैं। ओके सो ये रहा अपना फर्स्ट वाला बेस लेआउट, एंड देख सकते हो सेंटर टाउन हॉल है, रिंग बेस टाइप का बना रखा है, एंड यहाँ पे जो अपना दोनों इन्फर्नो है वो लेवल 1 का है, थोड़ा लो लेवल है, यहाँ पे थोड़ा इसका प्लस पॉइंट हमें मिला था एंड किंग क्वीन भी थोड़ा बहुत लो है तो वो काफ़ी मतलब ठीक है, वैसे डिसेंट लेवल है। सो भी यहाँ पे रिप्ले पे चलते हैं, एंड यहाँ पे देख सकते हो मैंने 3 हील डाला था, 3 हील स्पेल रखा था क्योंकि मुझे पता था क्वीन इजीली वहाँ से मतलब आउटसाइड बिल्डिंग भी क्लियर कर लेगी एंड सेकंड रेज का वहाँ पे इतना जरूर तो नहीं पड़ने वाला है, तो मैंने यहाँ पे 3 हील रखा था। साथ में सीज बैरक था, सीज बैरक के अंदर मैक्स के होप राइडर जो कि पता है आपको बाद में कितना ज़्यादा मतलब तबाही करेंगे बेस में एंड कितना ज़्यादा फनलिंग में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे एक तरफ से किंग एंड सीज बैरक, दूसरी तरफ से अपना क्वीन, दोनों लूंस को मैंने यहीं डाल दिया क्योंकि मल्टी कैनन था जो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा था यहाँ पे सभी ट्रूप्स को, तो उसको पहले डाउन करना ज़रूरी हो गया था। एंड उसके बाद गाइस देख सकते हो बहुत अच्छा यहाँ पे फनल बन चुका था, इधर से क्वीन ने सीसी डाउन कर लिया था तो ऑब्वियसली जो भी अपना जो होग्स एंड माइनर थे वो इनसाइड ही जाने वाले थे एंड यहाँ से अपने आ गए थे मैक्स के होग राइडर। मैंने इधर से हील डाल दिया क्योंकि यार 3rd हील एक्स्ट्रा ही था एक हिसाब से हमारा, एंड मैक्स होग राइडर थे जो अपना उनको सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मैक्सिमम डैमेज बहुत ज़्यादा वही हमारे बेस में मतलब जो एनिमीज को देने वाले हैं वो वही थे। एंड जंप डाल दिया मैंने क्वीन को, देख सकते हो सीधा इनसाइड गया, यहाँ पे एयर डिफेंस को निकाल लिया, विजार टावर जो स्प्लैश डैमेज करता है उसको निकाल लिया, एंड यहाँ पे जो एनिमी का क्वीन था उसको फ्रीज कर दिया हमने। यहाँ पे दोनों चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास सीसी से हेड हंटर वगैरह नहीं निकलता है तो आप एनिमी के जो क्वीन है उसको फ्रीज कर सकते हो, अदरवाइज हेड हंटर वगैरह तो क्वीन वो फेल कर देते हैं, इसलिए मैं वहाँ पर उन पर यूज़ करता हूँ जो अपना फ्रीज स्पेल है। तो देख सकते हो यहाँ पे बेस इजीली क्लियर हो चुका है। एंड गाइस इसके साथ साथ बताना चाहता हूँ, अगर आपकी भी कोई स्पेशल टाउन हॉल की डिमांड है, कोई स्पेसिफिक टाउन हॉल की स्ट्रेटजी आप चाहते हो तो वो आपको ज़रूर यहाँ पे मिलेगी, आपको जस्ट करना क्या एक प्यारा सा कमेंट कर देना आपको स्ट्रेटजी के नाम के साथ कि टाउन हॉल 10, जैसे ये टाउन हॉल 10 हाइब्रिड है तो कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है, अगर आपके पास स्ट्रेटजी का मतलब प्रॉपर कॉम्बो भी हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज कोई स्पेशल डिमांड हो किसी भी स्ट्रेटजी की तो वो आप कमेंट कर सकते हो, हम जरूर से उसको ट्राई करेंगे क्योंकि अपने पास मोस्टली सभी टाउन हॉल की IDs हैं, तो आई थिंक सभी IDs हम सभी अटैक्स हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर कर देना है, यहाँ पे थोड़ा मतलब साउंड है यार व्हीकल्स का तो उसको इग्नोर कर देना। सो ये रहा सेकंड बेस, एंड ये है बहुत मतलब आइलैंड बेस शायद से इसको बोलते हैं, एंड
भाई साहब ये वाला बेस है ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करके रखता है, क्योंकि इसमें सिंगल इन्फर्नो रखे हैं, तो हाइब्रिड के लिए कोई ज़्यादा मतलब इशू वाली बात नहीं सिंगल इन्फर्नो, अगर मल्टीपल होते तो दिक्कत दे देते, बट सिंगल इन्फर्नो यार बहुत सारे अटैक्स है जिसमें दिक्कत दे देते हैं यहाँ पे। सो मैंने सभी जो अपने लूम्स थे यहीं पर डाल दिए, एंड रेज मैंने यहाँ पर 3 रेज रखे थे क्योंकि क्वीन वॉक में कहीं भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, सिंगल इन्फर्नो थे उसके सामने रेज की जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए मैंने 3 रेज रखे हैं क्योंकि मुझे पता था आउटसाइड तो क्लियर हो जाएगा, बट मेन प्रॉब्लम रहेगी अपना जो एनिमे का क्वीन है एंड उसके साथ साथ एयर डिफेंस भी रखा था उधर, तो मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे फटाफट से डैमेज करने की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी वजह से रेज स्पेल काम आएंगे। तो मैंने जैसे ही यहाँ से साइड क्लियर हुआ सिंगल इन्फर्नो निकालने के लिए मैंने यहाँ से माइनर डाल दिया एंड उसके पीछे पीछे सभी होग राइडर अपने डाल दिया वहाँ पे। क्वीन के ऊपर जो आया था अपना क्या बोलते हैं इसको इलेक्ट्रो ड्रैगन, वो आपको पता है ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एंड सेंटर में सभी को जो होग एंड माइनर थे सभी के लिए खेल, और उसके साथ साथ जो एनिमी का सीसी में जो लून था वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा, थोड़ा मतलब दिमाग ख़राब कर रहा था, तो उसको हमने फ्रीज कर दिया क्योंकि हमें पता था क्वीन वापस पीछे पीछे आने वाली है एंड उसको डाउन ईजिली कर लेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ईजिली ये वाला भी बेस बहुत ईजी से हमारा 3-स्टार निकल जाएगा क्योंकि अपने पास माइनर बचे हुए हैं एंड क्वीन विद एबिलिटी बची हुई है। यहाँ पे एक विजार्ड है जो आउटसाइड में मतलब फनलिंग वगैरह सॉरी जो ट्रैस क्लियर करने में काम आएगा। तो यहाँ पे सिंगल इन्फर्नो ने पकड़ा था क्वीन को, वहाँ पे हमने यूज़ कर दी क्वीन की एबिलिटी एंड उसके बाद जो माइनर थे वो जो सिंगल इन्फर्नो था वहाँ तक पहुँच गया। एंड सेकेंड थिंग क्वीन अभी राउंड लेकर उस बेस का उस पोजिशन में आ चुकी थी जहाँ से वो जो अपना इन्फर्नो था सिंगल इन्फर्नो उसको अटैक कर सके, मतलब एक मतलब प्रॉपर रेंज आ गया था क्वीन का एंड इसी के साथ इजीली 3-स्टार यहाँ पे निकल गया गाइस। तो ये रहा अपना टाउन हॉल 10 का हाइब्रिड अटैक स्ट्रेटजी, आपको कैसा लगा जरूर से बताना एंड वार में एक बार आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा एंड पूरा कॉम्बो आपके सामने है, हमने दिखा दिया सभी कॉम्बो। और अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई स्पेसिफिक डिमांड है किसी भी आर्मी की तो आप कमेंट कर सकते हो, वो आपकी डिमांड पूरी की जाएगी। तो गाइस आज की वीडियो में इतने, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Two, three, four, five, six, two, eight.